हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लौटे हैं आपके सामने आपके ही LNIP के MPED का एंट्रेंस टेस्ट लेके। फाइनल आंसर शीट आपके सामने है और ये 2021 का, एक तरीके से लगा लीजिए लास्ट ईयर का ये है। तो MPED में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से वो क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम में आए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका फाउंडर, एशियन गेम्स के फाउंडर कौन माने जाते हैं? तो GD सोंधी इज द राइट आंसर। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको इस बार भी MPED में देखने को मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है ये एशियन गेम्स के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर आपका ओलंपिक्स भी लिखा रह सकता है। तो ओलंपिक गेम्स के फाउंडर, अगर हम बोलें कि फादर ऑफ ओलंपिक गेम्स, तो मॉडर्न ओलंपिक्स, तो पियरे डी कोबर्टिन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। उसी के साथ में ओलंपिक के आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट को भी पूछ सकता है, यानी कि जो IOC उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट तो वो डेमेटियस विकेलस थे। इसकी स्थापना हुई थी 1894 में, IOC की स्थापना 1894 में। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, मोस्ट मेजर सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक हैड देयर ओरिजिन फ्रॉम विच कंट्री, यानी कि ज्यादातर आपका जिम्नास्टिक्स का जो ओरिजिन देखा जाता है वो कौन से कंट्रीज से। बहुत सारे बिना देखे आपका जर्मनी लगा देते हैं, नो डाउट जर्मनी में आपका बहुत अच्छा इतिहास रहा है आपके जिम्नास्टिक्स का। लेकिन जो आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जिसमें आपकी तीन कंट्रीज आती हैं, वो आपकी ज्यादा फेमस हैं। तो ये आपका फोर जो है, यानी कि स्कैंडिनेविया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वो फॉर्मुलेटेड द नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1956। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, तो इसने आपका फॉर्मुलेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, व्हेन वाज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये आपका 1991 और 1992 में दिया जाता है। उसी के साथ साथ हमारी खेलों से रिलेटेड आपके पूछा जा सकता है आपका अर्जुन अवार्ड, आपका पूछा जा सकता है द्रोणाचार्य ध्यानचंद अवार्ड जिसकी स्थापना आपकी 2002 में की गई थी। इस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उनकी भी आने वाली वीडियोस आने वाली हैं। और जिसको MPED की आपकी पर्सनल क्लासेस लेनी है, MPED की आपकी पर्सनल क्लासेस, तो डेली शाम को क्लासेस होती है, 2 घंटे डेली क्लासेस होती है शाम को, इवनिंग में, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अगर कि कोई भी आपकी क्वेरी हो ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड। सारी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं। नेक्स्ट आपका, विच एजुकेशन पर्सनैलिटी सेड एजुकेशन थ्रू प्ले? तो एजुकेशन थ्रू प्ले ये बात किसने कही थी? ये आपके फ्रोबेल ने कही थी। फ्रोबेल इज द राइट आंसर। और साथ में ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर दे। बहुत सारे पूछते हैं कि सर कहाँ मैसेज करना है, तो इंस्टाग्राम पे। तो यहाँ पर पूछा, डैश इज ऑफन रेफर टू द फादर ऑफ रियलिज्म, तो फादर ऑफ रियलिज्म बोला जाता है आपके एरिस्टोटल को, तो एरिस्टोटल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, इन एंशियंट ग्रीस ए बॉय ऑफ एट द एज ऑफ सेवन, मतलब कि 7 साल की उम्र में, वॉज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द पब्लिक बैराक वेर द एंटर्ड ए सिस्टम ऑफ पब्लिक कंपल्सरी ट्रेनिंग इज कॉल्ड। तो यानी कि सीधे सीधा आपसे पूछ रहा है कि जो 7 साल की उम्र के बाद उसमें एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली में जो होता था, या जो स्कूल होता था आपके ग्रीस में, मेनली जो स्पार्टन्स का होता था, उसको क्या बोलते थे? तो एगोग उसे बोलते थे, एगोगे, ठीक है, AGOG भी आप याद रख सकते हैं ऐसे करके, AGOG। तो एगोग एजुकेशन सिस्टम का वहां पे स्पार्टन्स में देखने को मिलता था, ग्रीस की हिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर एट, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA, जिसकी स्थापना आपकी हुई थी 1927 में? ये भी याद रखना है, क्योंकि 1928 के जो आपके एम्स्टर्डम ओलंपिक्स थे उसमें पहली बार भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता, तो सर दोराबजी टाटा जिन्होंने एक्चुअली में शुरुआत की आपके इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, और यही रिस्पॉन्सिबल थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, और ओलंपिक्स में टीम भेजने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। सर दोराबजी टाटा ने खेलों में, ये खुद खिलाड़ी रहे थे एक्चुअली में, घुड़सवारी में, हॉर्स राइडिंग में ये बहुत एक्सपर्ट थे, और बहुत अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलते, सर दोराबजी टाटा। उसके बाद में आज भी अगर आप रतन टाटा को भी देखो, तो वो भी बहुत, तो टाटा परिवार ने बहुत ज़्यादा सेवा करी है एक तरीके से भारत की, और आज भी करता आ रहा है, चाहे खेलों के फील्ड में हो, हॉस्पिटल्स के फील्ड में हो, आप टाटा
के बहुत सारे हॉस्पिटल्स कैंसर से रिलेटेड हॉस्पिटल्स देख सकते हैं, या फिर और कोई सिल्क का कारोबार हो तो उसमें भी बहुत बड़ा योगदान आपका रहा है। और आप इंडस्ट्रीज़ के बारे में तो जानते ही हैं जितने भी, जैसे कि आपके टाटा की बहुत सारी कार्स, ट्रक, सब कुछ उनके अवेलेबल होते हैं, तो बहुत बड़ा योगदान है टाटा स्टील का भी। क्वेश्चन नंबर 9, साइको एनालिटिक थ्योरी किसने डेवलप की थी? तो ये आपका सिगमंड फ्रॉयड ने, जिसका आपका फ्रूड आंसर दे रखा है, इन्होंने की थी। अब क्वेश्चन नंबर 10, रेशियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स इन डाइट ऑफ एन इंडिविजुअल एवरेज शुड बी। तो राइट राइट आंसर आपका है 4:1:1, 4:1:1 का रेशियो आपका होना चाहिए। अगर आप चार कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो एक आपका कम से कम प्रोटीन होना चाहिए और एक आपका कम से कम फैट होना चाहिए, तो ये इतना रेशियो डाइट में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, अभी हम इस पार्ट में 25 क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट पार्ट में फिर 25 क्वेश्चन लेंगे, फिर हम 25 क्वेश्चन लेंगे, तो तीन पार्ट में इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये हम थोड़ा सा डिस्कस करते हुए भी चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, याद रखना मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी कीपिंग ग्रोथ एंड कीपिंग द बॉडी हेल्दी। तो क्वेश्चन नंबर अब 11 में आप में एक्चुअली में क्या देना था, इनको विटामिन देना था, लेकिन यहाँ पर मिनरल दे दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ऑप्शन चारों में से कुछ चुनना है यहाँ पे, तो यहाँ पर विटामिन होना चाहिए था एक्चुअली में, विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो बी कॉम्प्लेक्स का आपका थाइमाइन से लेके पूरा कोबलामाइन, B1 से लेके आपका पूरा B12 तक, सारे ही आपको याद रखने हैं। और विटामिन से जब क्वेश्चन आ ही गया है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, देर आर 13 टाइप ऑफ विटामिन टोटल। अगर क्वेश्चन आ जाए कि टोटल कितने विटामिन होते हैं, तो 13 विटामिन टोटल आपको देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ में अगर क्वेश्चन आ जाए आपका कि आपके कितने फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं, तो फैट सोल्युबल होते हैं K E D A, चार आपके फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं, और विटामिन बी और सी ये आपके वाटर सोल्युबल विटामिन होते हैं, ये वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच हेपेटाइटिस वायरस स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है। और क्वेश्चन आपका आता है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है कि सीरम हेपेटाइटिस किसे बोलते हैं, ये भी आपको कमेंट करके बताना है, देखते हैं आपकी तैयारी कितनी सीरियस चल रही है। विच कम्युनिकेबल डिजीज इज ऑल्सो नोन एज हैंसन्स डिजीज, तो हैंसन्स डिजीज किसे बोलते हैं, तो लेप्रोसी को ही आपका हैंसन्स डिजीज एक्चुअली में बोलते हैं। रेबीज को और किस नाम से जाना जाता है, या फिर रेबीज में क्या हो जाता है, तो हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी का डर लगने लगता है, हाइड्रोफोबिया। ट्यूबर क्लोसिस किसके कारण होता है, कौन सी ये डिजीज है, ये बैक्टीरियल है, वायरस है, तो इस तरीके से भी आ जाता है, तो ये आपका ट्यूबर क्लोसिस जो है बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से फैलती है, माइको बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस एक्चुअली में इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोन्स, एंजाइम्स एंड हीमोग्लोबिन। तो प्रोटीन एक्चुअली में, अब आप प्रोटीन की जब बात करें तो डीपली स्टडीज की अगर आप जाएंगे देखेंगे तो आपको ये चीज पता लगेगी कि आपका जो हॉर्मोन्स है, एंजाइम्स है, या हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन भी आपका एक तरीके से हॉर्मोन है, ये आपका आता है एक तरीके से ट्रांसपोर्ट हॉर्मोन्स के टाइप में, ट्रांसपोर्ट हॉर्मोन्स के टाइप में एक तरीके से आता है, ट्रांसपोर्टेशन एक तरीके से एंजाइम बोल लो इसको, इस तरीके से आप, तो एंजाइम हो चाहे हॉर्मोन हो ये सब आपके प्रोटीन होते हैं, तो हार्मोन और एंजाइम सब आपके प्रोटीन ही है, प्रोटीन एक बड़ी कैटेगरी है, उसी के अंडर में ये सारी चीजें आपकी होती हैं। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हम ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ये तो है। नेक्स्ट आपका है हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन, ये भी बिल्कुल प्रिंसिपल है। नेक्स्ट आपका हेल्थ एजुकेशन हेल्प एन इंडिविजुअल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड बैड हेल्थ हैबिट्स, और हेल्थ प्रोग्राम शुड नॉट ओनली बी द प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडिविजुअल बट ऑल्सो द फैमिली एंड द सोसाइटी ऑफ द नेशन एज वेल। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही लग रहे हैं, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है ये एक्चुअली में थोड़ा सा आपको गड़बड़ देखने को यहाँ पे मिलेगी, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आपको ये भी ध्यान रखना है, नोट का थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान रखना है, नोट पूछा है तो इसमें से जाहिर सी बात है जहां नोट पूछा जाता है तो तीन आपको सही मिलेंगे, एक आपको गलत
मिलेगा। तो एक को आपको ढूंढना है, एलिमिनेशन मेथड यहां पर अपनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन हेल्प इन रिकवरी ऑफ मसल क्रैम्प। मसल क्रैम्प की रिकवरी के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन ई। नेक्स्ट आपका है, और विटामिन ई आपका एक्चुअली में अगर महिलाओं में देखा जाए तो बांझपन, ठीक है, और मेल्स में देखा जाए तो ये एक तरीके से फर्टिलिटी में काम करता है। तो बहुत ही ज्यादा जितनी भी आपके मेल्स या फीमेल्स की आपके डिजीज होती है उनमें ये रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन ई, ठीक है, चाहे आप फर्टिलिटी की बात कर लो। नेक्स्ट है, व्हाट इज द हार्ट एरिथमिया, एरिथमिया जिसमें रिदम आपकी सही से ना चले, तभी तो आपका ए जहां पर आ गया दैट मीन्स वहां पर कोई चीज कम हो रही है, खत्म हो रही है या फिर लैग कर रही है। तो इरेगुलर हार्ट बीट, मैंने बोला रिदम अच्छे से नहीं चल रही है दैट मीन्स वहां पर इरेगुलर हार्ट बीट है। क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज डायग्नोस्ड बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ एंजियोग्राफी। तो एंजियोग्राफी हमेशा आपको याद रखना है कि एंजियोग्राफी आपके हार्ट से रिलेटेड जितनी ब्लड वेसल्स होती है उनके लिए की जाती है ताकि आपको हार्ट अटैक ना आए, और हार्ट अटैक से बचने के लिए भी बहुत बार आपका एंजियोग्राफी आप पहले करवाते हैं और चेक करते हैं कि आपकी प्रॉपर वॉल्व काम कर रही है कि नहीं, आपकी वेसल्स काम कर रही है कि नहीं, आपकी वेसल्स में किसी तरीके की कोई ब्लड क्लॉट तो है नहीं। तो ब्लड वेसल्स के डिसऑर्डर के लिए हम इसको एंजियोग्राफी को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, नेम फॉर द न्यू कोरोना वायरस डिजीज। जो आपका ये पुराना क्वेश्चन है तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, अभी शायद आपसे पूछ ले कि मंकी वायरस कहाँ पे फैला है, तो मंकी वायरस से पूछा जा सकता है। बाकी इसका क्वेश्चन का आंसर है आपका 11 फरवरी 2020, तो ये पुराना क्वेश्चन है। तो इस बार मंकी पॉक्स जो आपका एक्चुअली में वायरस फैला हुआ है तो इसको आप पढ़ के जा सकते हैं, मंकी पॉक्स के बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सोल्यूबल विटामिन। तो मैंने अभी आपको बताया था ऊपर के ई डी ए या फिर ए डी, एडेक याद रख सकते हैं या कीड़ा याद रख सकते हैं, कुछ भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फुल फॉर्म ऑफ एच डी एल, यानी कि एच डी एल जिसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो इसका राइट आंसर है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका हेल्दी होता है एक्चुअली में, हेल्दी जिसको हम गुड फैट भी बोलते हैं, गुड फैट भी बोलते हैं, और ये आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसकी फुल फॉर्म मैंने बताई है एलडीएल होता है, जो एलडीएल की फुल फॉर्म होती है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसको कम करने का भी काम करता है, या फिर जो आपका सैचुरेटेड फैट है बॉडी में, जो आपका एडिपोज टिश्यू है उसको घटाने का भी काम करता है, वेसल्स में आपका जो थिकनेस हो जाती है उसको कम करने का काम करता है। तो एचडीएल एक्चुअली में एलडीएल को कम करने का काम करता है। नेक्स्ट है, ए वर्क इन विच द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट द बॉडी कैन सप्लाई इज लेस देन द अमाउंट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टास्क इज नोन एज। तो हम इसे बोलते हैं एक्चुअली में एनएरोबिक वर्क, क्योंकि एनएरोबिक वर्क में हम हमेशा उस काम को करते हैं जितनी हमारी बॉडी में आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, खाली हम उसी का ही यूज करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हम बाहर से कोई ऑक्सीजन नहीं लेते हैं कि उस काम को करने के लिए, जैसे 50 मीटर स्प्रिंट अगर आपने मारी तो वो एनएरोबिक वर्कआउट में आएगा, वहीं एरोबिक वर्कआउट्स ऐसे वर्कआउट होते हैं जिसमें आपके बाहर से ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जैसे आपने लंबी साइकिलिंग करी, लंबी दौड़ करी, लंबा कुछ भी किया, लेकिन आपने स्क्वैट करी, जंपिंग करी, थ्रोइंग करी, कुछ भी आपने किया जो कि शॉर्ट बर्स्ट मूवमेंट्स होते हैं, वो सारे एनएरोबिक वर्कआउट के या एनएरोबिक वर्क जिसे हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द एरिया लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सार्कोमेयर कंटेनिंग बोथ एक्टिन एंड मायोसिन इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं एक्चुअली में ए बैंड। इसको आप जब पूरी पिक्चर देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा आई बैंड क्या होता है, जेड बैंड क्या होता है, ए बैंड क्या होता है, तो ये सब कुछ हम आपको एक वीडियो में स्पेशल बता भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, अकॉर्डिंग टू कूपर्स 1968 द वैल्यू ऑफ 12 मिनट रन एंड वॉक इज कन्वर्टेड टू VO2 मैक्स बाय। तो ये इसका एक्चुअली में आपका एक तरीके से यूं लगा लीजिए कि ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। और लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो कि आपका 25 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद में हम अगली वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो 25 नंबर क्वेश्चन जो है
इसमें आपको करेक्ट सीक्वेंस ढूंढना है, मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। एक्चुअली में आपकी जो थ्योरी है मसल की, जो कॉन्ट्रैक्टिंग की थ्योरी एक्चुअली में, उसको हमने आपका बताया भी है वीडियोस में, तो उसको भी आप एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जैसे कि सबसे पहला काम जो है वो आपका कैल्शियम बाइंड्स टू ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन से पहले आपका कैल्शियम बाइंड होगा, उसके बाद में जो मायोसिन का हेड है, मायोसिन का हेड है वो आपका फॉर्म करेगा क्रॉस ब्रिज एक्टिन से जुड़ के। तो एक्टिन से जुड़ेगा आपके मायोसिन का हेड, उसके बाद में आपका क्या होगा, तो नेक्स्ट आपका देखने को मिलेगा जो मायोसिन का हेड है वो बैंड होगा और एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड फॉस्फेट रिलीज, तो वो फॉस्फेट रिलीज होगा वहां पे देखने को मिलेगा आपको। और फिर आपको देखने को मिलेगा इसके बाद में कि वहां पर क्रॉस ब्रिज डिटैच हो गया, हट गया, उसके बाद में एटीपी हाइड्रोलाइज टू एडीपी। अब एटीपी जो था वो एडीपी में यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो था एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये प्रोसेस इसी तरीके से आपका चलता रहता है। तो ये एक्चुअली में आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन की एक तरीके से थ्योरी है, और ये आप पढ़ सकते हैं, आपकी बहुत सारी बुक्स में भी दे रखा है और हमने भी इसके ऊपर वीडियो बना रखे हैं। तो 25 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं आपके। होपफुली आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी होगी, हम इसी तरीके से डिस्कस करते रहेंगे आने वाले वीडियोज में, और अच्छे से थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे चीज़ों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के चैनल पे, मैंने डाल रखी है ऑलरेडी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। अपना ध्यान रखो, सभी तैयारी करते रहो।